हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 13 सितंबर, तो अभी हम चलेंगे आज हॉस्पिटल लेके अपने डेजी को, उसको इंजेक्शन लगवाएंगे क्योंकि उसकी एलर्जी अभी ठीक नहीं हुई है। उसको जो मैंने टैबलेट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी पहले, वो मैंने खिलाई उसको, बट उससे उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको आज लेकर चलते हैं। और अभी आज काम चल रहा है अपना इस पर ट्रैम्पोलिन पार्क के व्लॉग पे, तो ये व्लॉग आप शायद देख चुके होंगे, जब ये वाला व्लॉग डला है उससे पहले आप ये वाला देख चुके होंगे। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और कितना अच्छा लगा। और अभी जल्दी से ना डेजी को निला लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे पालम। और एक काम और है अपना, जो ओवन हम उस दिन छोड़ कर आए थे वो भी हमें लेकर आना है, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन में इतना बिजी था, मैं चला गया था करनाल हरियाणा, तो जिसकी वजह से टाइम मिला नहीं, ना मैं डेजी को हॉस्पिटल ले जा पाया और ना ही मैं अपना व्लॉग एडिट कर पाया। तो आज अपना सारे काम निपटाएंगे, जितने अपने पेंडिंग काम्स हैं सारे करेंगे। दोस्तों अभी चलते हैं डेजी को लेके। ये देखो डेजी को बिठा लिया हमने गाड़ी में, ये रही हमारी डेजी। हेलो करो डेजी, हेलो बोलो, बाबो करो, नहीं करेगी शर्मा। और ये अपने अमन भाई, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, और ये है अपने अभिषेक भाई। तो अभी चलते हैं, अभिषेक भाई को तो रास्ते में छोड़ना है, वहाँ पे दिल्ली कैंट जाएगा, बाकी अमन भाई हमारे साथ चलेंगे। तो चलते हैं अभी डेजी को लेके हॉस्पिटल, बेचारी को बहुत एलर्जी हो गई है। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो यार का सताया हुआ है। पीते नहीं है पिलाई गई, अब तक न वो बुलाई गई। कब्रों पे बैठ के शायरी करे, लोगों को देखा दफनाते हैं लोग, मैंने मुझे दफनाया हुआ है। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हैं, सही बात है भाई। गजब। अपने भाई क्या नाम है, भाई का क्या नाम है यार सिंगर का, बता दी विपराग, क्या गाना होना है यार, क्या कंपोजिंग है, जबरदस्त, मजेदार, अमेजिंग, मजा आ गया। अभिषेक भाई को बाय बाय करने का टाइम आएगा, क्योंकि ये कांडू यहीं उतर रहा है दिल्ली कैंट। चलो बेटे, ओके बाय 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 बाय। तो भाइयों हम आ गए हैं हॉस्पिटल, यार गाड़ी कहाँ खड़ी करूं, सामने भीड़ लग रही है भाई आज तो, बंद था ना। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं महावीर इंक्लेव हॉस्पिटल डेजी को लेकर, चलते हैं अंदर डॉक्टर के पास। ये रही अपनी डेजी, क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी दोस्तों डेजी को लग गए 2 इंजेक्शन, कोई नहीं, होप सो जल्दी ठीक हो जाएगी इसकी जो एलर्जी है। और अभी इसके लिए टैबलेट बोले डॉक्टर साहब ने, वो टैबलेट ले लेते हैं केमिस्ट से। तो अभी आ गए हैं अरोड़ा अंकल की दुकान पे, तो अरोड़ा अंकल से ले लेते हैं मेडिसिन। नमस्कार अंकल, अभी ले लिए डेजी की दवाई, ये रही इसकी मेडिसिन जो भी है। और नेल्स का क्या हुआ कि अंकल ने बोला है कि नेल्स जो है ना आज उनका स्टाफ नहीं है, तो अब हम जो सेकंड विजिट होगी, क्योंकि डॉक्टर ने इसको 3 बार बुलाया है अल्टरनेटिव डेज में, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो अभी परसों आएंगे जब हम 15 तारीख को, तब अंकल के पास जो लड़का होगा उससे नेल्स कटवा लेंगे, क्योंकि अंकल ने बोला है कि अगर मैं आपको कटर दे दूंगा और आप काटोगे तो आप काट नहीं पाओगे, ब्लड आ जाएगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं अंकल के पास आके तभी नेल कटवा दूंगा डेजी के नेक्स्ट डे, अब जो नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है ना भाई। तो चले अभी चलो चलते हैं आप घर। और हाँ, ओवन का ये हुआ कि अभी सचिन भाई का कॉल आया था थोड़ी देर पहले, सचिन भाई बोल रहे हैं कि भाई जी आप शाम तक आ जाओ 4:30 बजे तक, तो अभी तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30, तो अभी बहुत टाइम है, तो अभी घर ही चलते हैं, शाम को वापस आके फिर लेके चलेंगे दोबारा से। पर
पहुंच गए हैं भैया अपने मैरम नगर, और अब भी चलते दोबारा फिर से पालम। शाम का समय हो रहा है करीब, ये देखो 6:07 हो रही है। दो काम है, पहला काम है अपना ओवन उठाना है, ओवन रेडी कर दिया सचिन भाई ने, ओके हो गया, एकदम ठीक हो गया है। और दूसरा काम है कि मम्मा को ना पिछले करीब एक हफ्ते लगा लो, और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं था उस टाइम पे, पिछले एक हफ्ते से मम्मी पैर में दर्द बता रही है अपनी एडी में, और एक्सरे करवाना था उसका मम्मी की एडी का, तो बिल्कुल भी टाइम ना होने के कारण मैं नहीं करवा पा रहा था। बट मैंने सोचा कि अभी जब जा रहे हैं दोबारा चक्कर लग ही रहा है, तो मैंने कहा साथ साथ एक्सरे भी करवा लेंगे और ओवन भी उठा लेंगे। तो अभी मम्मी आ रही है घर को लॉक करके, फिर चलते हैं पालम। पुलकित चल रहा है हमारे साथ, हमारा बेटा। सो इसी के साथ मिल गया जाम, फुल पैक है। देखो ये अपना द्वारका वाला रूट है, ये इवनिंग में इधर और मॉर्निंग में गुड़गांव की तरफ, फुल पैक रहता है। तो अभी पहुंच गया पालम फाटक, और इतनी बढ़िया किस्मत, ये देखो हमारा आते ही खुल गया फाटक। वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा हुआ बोल के, सीरियसली बताइयो। अन्ना भी यहाँ खड़े खड़े रहते हैं हम आधा घंटा, चलो निकल जाए क्योंकि पता नहीं एकदम से कभी बंद भी कर देंगे। तो दोस्तों अभी आ गए हैं, ये अपना CD डायग्नोस्टिक्स, तो यहाँ पे कराएंगे मम्मी का एक्सरे। चलो मम्मी, तो अभी अंदर गए थे लैब के अंदर, तो उन्होंने बताया मैडम ने कि आप इनको एक बार किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो हमने अपना जो अपना फैमिली डॉक्टर है, मतलब जहाँ से मम्मी की दवाइयाँ जाती हैं, उनसे एक बार बात की, उनके पास गए, उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इनको न्यूरोसर्जन को दिखाने की ज़रूरत है। तो मणिपाल में देखते हैं वहीं पर मिलेगा न्यूरोसर्जन, और कहाँ मिलेगा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी तो चलते हैं सचिन भाई के पास, उनसे उठाते हैं अपना ओवन, और कल में भी टाइम निकाल के अपॉइंटमेंट लेके फिर मम्मी को लेके चलेंगे न्यूरोसर्जन के पास। कैसे सचिन भाई, मेरे भाई सुना दो, शॉट लेते हुए घूम रहे हो? हाँ शॉट लेते हुए घूम रहे हो, हो गया ओवन रेडी, दे दो भाई। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया अपना ओवन भी सचिन भाई की दुकान से, बढ़िया है भाई ने ठीक कर दिया। कितना सुंदर एरिया बना दिया दोस्तों हमारा, ये देखो G20 की वजह से, G20 की वजह से हमारा एक इतना बेनिफिट तो हुआ था दिल्ली के अंदर कि हमारी दिल्ली जो है ना बहुत शानदार बना दिया मोदी जी ने, मतलब जहाँ भी देखोगे ना आप क्या बात है, है? गजब है। ये यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बना दी है, देखो लगा दिए इधर भी, तो सामने देखो बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं घर, 8:10 हो चुके हैं, और अभी जस्ट मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया अपने ट्रैम्पोलिन वाला। तो दोस्तों आप उसको देखना और देख के मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को लगा कैसा वो। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।